दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मोबाइल को किस तरह डिसेसेंबल करेंगे, किस तरह खोलेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल दें। बैक ढक्कन खोलने के लिए आपके नाखून बड़े होने चाहिए या आपके पास ओपनर वगैरह होना चाहिए या चिमटी वगैरह। उसके बाद इसके पेच खोल दें, इसके सारे पेज खोलने हैं, एक एक भी बाकी ना रहे। और इन पेचों को एक जगह पर संभाल के रख ले, क्योंकि वही पेच आपने दोबारा लगाने हैं। अभी इससे पहले आप इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें कि इससे करंट ख़त्म हो जाए, और फिर डिस्प्ले जैक डिस्कनेक्ट करके इसके बोर्ड को हड्डी से निकाल दें। और इसके बाद इसका फिंगर प्रिंट का जो सेंसर है वो उतार दे, और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे उतार दे, और इसको एक महफूज जगह पर रख दे कि ये इसमें गर्द वगैरह ना चला जाए, इसका लेंस ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद इसकी बैटरी उतार दे। इसकी बैटरी आप जब पहली दफ़ा उतारेंगे तो ये बहुत सख्त होगी। इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख ले, आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी कि आपने किस तरह उतारनी है। ये पहले से उतरी हुई थी इसलिए जल्दी निकल गई, पहली दफ़ा ये बहुत सख्त होती है। अब इसके नीचे चार्जिंग जैक जहाँ लगा होता है उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, उस पर पेज लगे होते हैं वो खोल दे, उनको भी एक साइड पर रख ले, क्योंकि आपने जो पेज जहाँ से उतारा था वहीं पर वही पेज लगाना है। इसमें अक्सर छोटे बड़े पेज होते हैं तो फिर ये फिर मसला बनाते हैं फिट करने में। अगर आप बड़े पेज लगाओगे जहाँ पर छोटे पेज लगते हैं तो ये आपके नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। इसके बाद ये जैक उतार दे, और इसका चार्जिंग का जो बोर्ड होता है, चार्जिंग जैक जिसमें लगा होता है सब बोर्ड, वो उतार दे। तो दोस्तों हमारा मोबाइल डिसअसेंबल हो गया है, आप देख सकते हैं ये इसका स्क्रीन है, ये चार्जिंग जैक वाला बोर्ड बैटरी हो गई, और ये मेन बोर्ड हो गया, और ये आपका रिंगर लाउड स्पीकर वाला ढक्कन हो गया, और ये आपके कैमरे हो गए। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।